जो मूवी थी, मतलब मूवी रिलीज हुई उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब चीजों को छोड़ के, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि कोई चीज कहीं रह गई मेरे से, या कुछ चीजें और प्रोग्रेसिव हो सकती थी उनके साथ? यार मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बिकॉज उसके जाने के बाद बहुत सी चीजें हुई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, कुछ चीजें ऐसा लगा कि सच हैं मगर बाद में सच नहीं निकली, कुछ चीजें झूठ थीं मगर बाद में सच बन गई। बहुत कॉन्वोल्यूटेड सा एनवायरनमेंट बन गया था। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, बहुत से लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा भी उठाया है, बहुत से लोगों ने इस सिचुएशन का सही फायदा उठाया, कुछ लोगों ने इस सिचुएशन का गलत फायदा उठाया। वो लोग कौन हैं सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस, हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे लोगों को जनता की गाली पड़ गई जिनको जिनका कुछ लेना देना भी नहीं था इस पूरी सिचुएशन में। बहुत से ऐसे अच्छे लोग लपेटे में आ गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका गलत फायदा उठाया और वो ऑडियंस के हीरो बन के बैठ गए। तो मेरी आवाज कोई मायने नहीं रखती थी इसलिए मैंने आवाज उठाई ही नहीं। जहां तक सुशांत को जस्टिस दिलाने की बात थी, वो मैं भी जानना चाहता था कि हुआ क्या, सच है क्या। बट इतना कंफ्यूजन जब क्रिएट हो जाता है तो फिर आप भी सोचने लगते हो कि यार क्या ही फायदा होगा, अभी कुछ अगर इसका रिजल्ट निकल भी आया तो सुशांत तो वापस आने वाला है नहीं। मेन टॉपिक स्किप हो गया बेसिकली, मतलब उसमें है मेन ना। टॉपिक तो कहाँ, कहीं और ही चला गया। और हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि आता है हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो हमको कभी फेल नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बिकॉज ऑफ अस पीपल, जनता जो हम इंडियंस हैं, हमारी वजह से बहुत धीरे चलता है। बिकॉज हम हर छोटी बात को अदालत में ले जाते हैं, आपस में जो चीज़ हम सुलटा सकते हैं वो भी अदालत में ले जाते हैं। इस वजह से अदालत में इतनी भीड़ है कि हमारे जजेस, हमारी अदालतें भी अगर 365 डेज लगातार भी काम करती रहे तो भी हमारे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो हमको चाहिए कि थोड़ा सा जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट रखें। लेकिन थोड़ा वियर्ड ये भी है कि जो जो आज से कुछ कई साल पहले कुछ केसेस थे उनका भी अभी तक हमारे पास निष्कर्ष नहीं निकला है, जांच चल रही है। क्योंकि कोर्ट का काम थोड़ा सा चीजों को आंकना होता है, चीजों को दोनों नजरियों से देखना होता है। वो एक एक कोट है कि एक गुनाहगार को जेल में डालने से ज्यादा डेंजरस है किसी इनोसेंट को जेल में